प्रदेश भर में पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय महाजन, पूर्व राज्यसभा सदस्य विप्लव ठाकुर सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूर्व राज्यसभा सदस्य विप्लव ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। आलम ये है कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और जो देश की इतिहास में पहली बार हुआ है। देश भर में इससे महंगाई बढ़ जाएगी, विशेषकर हिमाचल में, और हिमाचल में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार पैसा कमाने लगी है लेकिन लोगों पर महंगाई की मार मार के। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। सीमेंट पर भी बहुत ज्यादा एक्साइज लग रहा है, जिसे रोकने की मांग की गई है। हम आज सारे कांग्रेस पार्टी, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी, अजय महाजन जी जो उसके अध्यक्ष है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेंबर, पीसीसी के जो ऑफिस बेयरर है, हम सब यहाँ पे पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि जो भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बार बार बढ़ाती जा रही है, और आज डीजल जो है पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है, और उससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खास करके हिमाचल के लिए, जहां पे हिमाचल में सब कुछ जो है वो बाहर से आता है, ट्रकों में आता है, और उससे हमारे यहाँ की महंगाई, पहले बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, अब इससे और जो है महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हम लोग बेरोजगारों को काम नहीं दे पा रहे हैं, और इस तरह से, और कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है उनके पास, सिर्फ पैसा कमाने की इनको लगी हुई है। जितनी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया, चाहे वो पीएम केयर के लिए लिया, किसके लिए, वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इससे आज की जनता की जो रोजमर्रा जिंदगी है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम ये मेमोरेंडम जो है डीसी के थ्रू सीएम और गवर्नर को पहुंचा देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है और सीमेंट के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस तरह वो भी है, क्योंकि उसके ऊपर भी इन्होंने इतना ज्यादा एक्साइज लगा दिया हुआ है, और इसलिए वो बढ़ रहा है। जो बॉर्डर्स के, पंजाब के बॉर्डर्स के लिए, वहां पे बिल्कुल इलीगल सप्लाई हो रही है, इसको रोकना भी चाहिए। आप भी बता रहे थे कि सीमेंट की 25 रुपए बढ़ गई है, हर चीज में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये राहत पहुंचाने के बजाय लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उनको धीरे धीरे जो है बिल्कुल उस सतह पे ला रहे हैं कि वो कुछ बोल ही ना सके। मैम, अगर अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का, अब अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है कांग्रेस पार्टी, एजिटेशन करेगी, लगे हुए सारी जनता उठ रही है इसके बारे में, अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं है ये, उसका कांग्रेस पार्टी दुनिया लोगों के साथ जुड़ी हुई, जनता के साथ जुड़ी है, उसकी आवाज उठा रही है, और समय आएगा जनता जब खुद उठेगी और इनको बताएगी कि आप क्या है, आने वाला समय इनको बताएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि देश व प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ऐसे में जब लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, उसके विपरीत केंद्र सरकार तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है। एक माह में लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आई है और तेल के कीमत घटाने की बजाय केंद्र सरकार उसे बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म उद्योग में राहत की बजाय बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, परिवहन सेक्टर में पंजीकरण के रेट बढ़ा दिए गए हैं, गैस के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, और ये गूंगी और बहरी सरकार केंद्र सरकार की तरह लोगों को महंगाई की मार मारने में लगी हुई है। देश और प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, बड़ी एक शर्म की बात है, जब पूरे हिंदुस्तान में और प्रदेश में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे ऊपर है, और जहां पे इनको एक आर्थिक मदद करनी चाहिए लोगों की, वहां पे इन्होंने हर चीज के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे कि डीजल के रेट जो है पेट्रोल के ऊपर चले गए हैं, और पिछले एक महीने में 6 बार पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, और सबसे हैरानी की बात है इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त लोएस्ट रेट चल रहे हैं क्रू इसके ऑयल के, और हिंदुस्तान में
सबसे हाईएस्ट चल रहे हैं। और टैक्सेशन की बात करें, आज की डेट में पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो टैक्सेशन रेट है डीजल और पेट्रोल के ऊपर हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 276% टैक्सेशन है पेट्रोल के ऊपर। और जो एक्साइज है, इन्होंने पिछले कुछ समय में 10 रुपए और 13 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाई, जो अपने आप में एक बहुत मतलब अजीबोगरीब बात है, जहां पे घटानी चाहिए थी वो बढ़ाते जा रहे हैं। और जो हिमाचल की बात करें, हर इंडस्ट्री, टूरिज्म की इंडस्ट्री लो, वहां पे इस वक्त बंद है और हमने राहत मांगी उनके लिए, उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाने की बात कर ली, हमने कहा कि बिजली माफ करो, उन्होंने कहा कि हम बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं। हमने मांगे मतलब जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनके रजिस्ट्रेशन के रेट्स इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और जैसे उन्होंने कहा कि सीमेंट के रेट्स बढ़ा दिए। मेरे ख्याल में कोई भी या अच्छा, और एक और सब्सिडी, इवन जो हमने कहा था कि सबको एपीएल बीपीएल के तर्ज पे सारे एपीएल परिवारों को इस कोरोना काल के दौरान सेम रेट्स के ऊपर, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर ये दें, अपना राशन दें, पर उन्होंने उल्ट किया, वो तो किया नहीं, पर बाकियों के भी सब्सिडी कम करने की बात की है। और जो इस वक्त गैस की बात है, उसके रेट्स भी मेरे ख्याल एक बढ़ा दिए। तो ऐसे ये मोस्ट इनसेंसिटिव सरकार है, ये मैं कहूंगा ये गुंगी और बहरी सरकार है, इनको कहीं भी लोगों की जो मतलब तकलीफों की आहट नहीं सुनाई दे रही। और मैं कहूंगा जल्द से जल्द इसके जो रेट्स बढ़ाए हैं डीजल के और पेट्रोल के, रोल बैक करें, नहीं तो यहां पे अफरा तफरी पड़ जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस नेता पर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगा है, और जो भाजपा है वो कह रही है कि कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेनाओं के साथ जो है उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो इसका समर्थन करता है वो भी देशद्रोही है, क्या कहेंगे इस पर? एक तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऑल द जितने भी पार्टीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए लॉ सेम होना चाहिए। अगर एक के ऊपर कोई दर्ज होता है, दूसरे के ऊपर भी होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष नजर आ रहा है, बट देर शुड नॉट बी एनी पिक एंड चूज। वी से दैट एवरीबॉडी शुड बी इन द सेम प्लेटफॉर्म, पर हमें माननीय अपने न्यायालय के ऊपर बहुत विश्वास भी है, यकीन भी है, वो जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल उचित करेंगे।